हेलो ऑल, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और कोई कोर्स परचेज करने की सोच रहे होते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्या ये कोर्स सफिशिएंट रहेगा हमारी प्रिपरेशन पे, क्या हम इस कोर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये कोर्स हमारी सिलेक्शन करवा सकता है। और दोस्तों, इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो कोर्सेस हैं एडुटेक के जो कोर्सेस हैं एपीएससी के लिए, क्या वो सफिशिएंट हैं। तो ये वीडियो पक्का देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ब्रीफली बता दूं कि हमने 3 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं आप लोगों के लिए डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। क्योंकि देखो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनकी कोई भी बैकग्राउंड प्रिपरेशन नहीं है, उन्होंने अभी तक किसी एग्जाम को टारगेट नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए हमने लॉन्च कर रखा है मास्टर पैक, द कंप्लीट कोर्स, जहां पर हम आपको हर एक जो कंपोनेंट है एपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन का, उसका डिटेल्ड कोर्स आप लोगों को दे रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 से 13 कंपोनेंट आपको एपीएससी के सिलेबस में देखने को मिलते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को कंप्रेहेंसिव मैनर में प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है इस मास्टर पैक में। आपको मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, देन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग हो गया, आईआर एंड लेबर लॉ हो गया, उन सभी कंपोनेंट्स के यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगे और मेजर कंपोनेंट्स के आपको हैंडआउट्स देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को 8000 प्लस एमसीक्यूज एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को हम कंटेंट दे रहे हैं बल्कि प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो दिस इज द कंप्लीट कंप्रेहेंसिव कोर्स इन द फॉर्म ऑफ मास्टर पैक। सेकंड कोर्स उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर चुके हैं, जिनके कुछ कंपोनेंट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, जिस बच्चे का गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर है, जिसकी मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर है, इंडियन कल्चर प्रिपेयर है, इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर है एंड जनरल साइंस प्रिपेयर है, तो उन बच्चों के लिए यहां पर हम लोगों ने 8000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए हैं उन कंपोनेंट्स के, जिनको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस जो यूनिक कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं एपीएससी एग्जामिनेशन में, लाइक अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी, उनका उनको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो दिस कोर्स इज फॉर दोस स्टूडेंट जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगेन जिनका जीएस पोर्शन स्ट्रांग है और वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ यूनिक कंपोनेंट का कोर्स मिल जाए प्लस बाकी कंपोनेंट्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाए। अगेन यहां पर भी 5 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तीसरा कोर्स जो है वो उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी बैकग्राउंड के भी हैं, जिनका जीएस पोर्शन अच्छा है और प्लस जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड था और जिन्होंने या फिर ऑलरेडी आईआर लेबर लॉ अकाउंटेंसी ऑडिटिंग या सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर कर रखा है फॉर एनी डिफरेंट एग्जामिनेशन, तो उन बच्चों के लिए यहां पर 8000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज और 5 फुल लेंथ टेस्ट की फॉर्म में एक टेस्ट सीरीज कोर्स बनाया गया है। तो डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, आप लोगों के पास 3 चॉइसेस हैं कि आप इनमें से कौन सा कोर्स अपने लिए चूज कर सकते हो। तो ये बात रही हमारे कोर्सेज की। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ये डिसाइड करने में कि क्या एडुटेक का कोर्स सफिशिएंट है या नहीं है। और हमें सबसे पहला पॉइंट, देखिए, जब भी हम कोई कोर्स चूज करते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि यार, एक कोर्स कंप्रेहेंसिव होगा क्या, इस कोर्स को परचेज करने के बाद मुझे कोई और बुक पढ़नी पड़ेगी, मुझे स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटी को अभी भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे पहले आप लोगों को देना चाहूंगा कि जो हमारा कोर्स है दोस्तों, वो कंप्रेहेंसिव कोर्स है। यहां पर अगर आप लोग हमारे हैंडआउट्स पढ़ते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं कोर्स की, तो आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप करना चाहो तो वो आप लोगों की श्रद्धा है, अदरवाइज हमने अपनी तरफ से आप लोगों को एक प्रॉपर कंप्रेहेंसिव कोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जहां पर मैक्सिमम कवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं भी आपको आगे इस कोर्स को खोल के भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर आइडिया भी लग जाए। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या कोर्स कंप्लीट है, क्या कोर्स अपडेटेड है, अगेन इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा कोर्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दिया है। आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इन कोर्स की वीडियो देख सकते हैं। यहां पर जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं, 12-13 कंपोनेंट, उनका कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई शेड्यूल आप लोगों को देना है कि अभी और लेक्चर आएंगे, नहीं, सब कुछ हमने प्रॉपर मैनर में एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को दे दिया है। प्लस दोस्तों, एक और खास बात कि अभी तक का जो कोर्स है पूरा अपडेटेड है, लेकिन अगर मान लो फ्यूचर में कोई नई अपडेट आती है, कोई नया लेबर लॉ आ जाता है या फिर लेबर कोड में कोई चेंज हो जाता है या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम कोई नई आ जाती है या फिर सोशल सिक्योरिटी लॉ कोई नया आ जाता है, तो अगेन वो भी अपडेट किया जाएगा, दिस इज अवर गारंटी। तो हम आप लोगों को एग्जाम तक प्रॉपर अपडेटेड कोर्स जो है वो प्रदान करने की कोशिश करेंगे और ये हमारा आपसे पूरा वादा है। अगेन कंप्रेहेंसिव कोर्स में भी एक पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को डाउट होता है कि सर ये कोर्स कंप्रेहेंसिव है या नहीं है, तो आप लोगों ने एक काम पक्का करना है, आप लोगों ने सिलेबस अपने सामने रखना है
और आप लोगों ने PYQs जो हैं 2002, 2004, 2012 और 2015 इनके भी अपने सामने रखने हैं और मैच करना है कि क्या कोर्स पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू चेक दी ऑथेंटिसिटी क्वालिटी ऑफ अ कोर्स। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि आर यू सिक्योर विद अवर कोर्स, क्योंकि दोस्तों अगेन आप लोग बहुत क्वालिटी टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो आपको बाद में ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कोर्स भी लिया, मेहनत भी करी, अपना टाइम भी दिया और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट हो जाता है जहां पर आप खुद को कभी माफी कर पाते हो, क्योंकि आपका तो पूरा अटेम्प्ट चला गया, आपका तो पूरा साल चला गया। तो दोस्तों वो फीलिंग हम आप लोगों को कभी भी नहीं आने देंगे, क्योंकि हम खुद उस स्टेज से गुजरे हैं और हमें पता है कि बेस्ट प्रोवाइड क्या करना होता है बच्चों को। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे साथ बिल्कुल सिक्योर फील कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं भी लगेगा कि सर ये कोर्स मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है या फिर कोर्स के लिए मुझे कुछ डाउट आ रहे हैं, तो वी आर विद यू। तो यहां पर मेरा अगला पॉइंट भी आता है कि आर यू एबल टू कॉन्टेक्ट द मेंटर, क्या मेंटर अप्रोचेबल है आपको इस कोर्स में। दोस्तों यहां पर आप लोगों का अगर कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग द कोर्स या फिर रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी, तो तीन तरीके हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों से कॉन्टेक्ट करने के, अप्रोच करने के हमको। पहला तरीका है डिस्कशन फोरम। यहां पर अगर आपको पढ़ते टाइम कोई भी डाउट आता है तो आप अपनी क्वेरी पेस्ट करेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स आपको अपनी क्वेरी का रिप्लाई मिलेगा। दूसरा तरीका है सपोर्ट टिकट रेज करने का। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग एक सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है रेज करने का, और अगेन उस पर भी आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिलेगा। और तीसरा तरीका है स्ट्रेटेजिक कॉल्स का, और अगेन कुछ बच्चों के लिए या फिर सभी बच्चों के लिए एक और तरीका है कैलेंडरी कॉल्स का। आप लोग अगर चाहें तो हमसे वीडियो कॉल्स भी अपनी अरेंज कर सकते हैं, जहां पर हम आपको वीडियो कॉल के थ्रू स्ट्रेटेजी बताते हैं या फिर आपका डाउट रिजॉल्व करते हैं। तो आपके पास मल्टीपल तरीके हैं हमसे कनेक्ट करने के, भले ही हम ऑनलाइन है, आप लोगों से दूर है, आपके घर के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम कनेक्टेड है मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। और दोस्तों जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा है वो ऑलरेडी जानते हैं कि कितने एक्सेसिबल हम हैं, कितने फ्रिक्वेंटली हम उन लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को कभी भी ये दिक्कत नहीं आने वाली है कि मैं मेंटर्स को नहीं फील कर पा रहा हूं, मुझसे बहुत दूर है, ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं आएगी। एक पांचवा क्वेश्चन जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के दिमाग में पक्का आता है कि क्या आपका कोर्स सर हमें सिलेक्शन गारंटी कर सकता है। दोस्तों यहां पर मेरा जवाब होगा नहीं, कि कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता कि जो आपको सिलेक्शन की गारंटी कर दे, क्योंकि कुछ कंडीशन रह जाती है। वो कंडीशन क्या है कि क्या आप लोग हमारे जो गाइडलाइन है जो हम देते हैं आप लोगों के स्ट्रेटेजी की फॉर्म में, आप उनको फॉलो कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो अगर आपको अगले 6 से 7 महीने लगभग 6 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है विद कंसिस्टेंसी, अगर आप वो फुलफिल कर रहे हो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको 2-3 रिविजन एटलीस्ट करनी पड़ेंगी बिफोर द एग्जामिनेशन, अगर वो आप कर रहे हो, और अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आपको 8,000+ MCQs+5 फुल लेंथ टेस्ट अच्छे तरीके से ऑनेस्टी के साथ देने हैं, अपनी नॉलेज को अगर आपने मार्क्स में कन्वर्ट करना तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है, अगर ये आप कर रहे हो, दोस्तों मैं काफी श्योर हूं कि आप लोगों की सिलेक्शन नहीं रुकने वाली है। तो सिलेक्शन की गारंटी कोर्स कंटेंट के साथ साथ आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करेगी। तो कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता जो आपको खुद ब खुद सिलेक्शन गारंटी कर दे, आप उस कोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो उस पर डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन। तो लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए मेरा ये जवाब है। तो इन 5 पॉइंट्स पर अगर आप लोग देखो हमारे कोर्स को, तो हमारा कोर्स पूरा खरा उतरता है, आप लोग हमारे कोर्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूं हमारा कोर्स कि किस तरीके का हमारा कोर्स है। दोस्तों अगर आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाओ तो आपको इस तरीके से कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ये है टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज कोर्स, ये है टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स और ये है मास्टर कोर्स। तो मैं आपको मास्टर कोर्स दिखाता हूं एक बार। अगर आप मास्टर कोर्स में क्लिक करोगे तो आपको यहां पर सबसे पहले तो नोटिस बोर्ड देखने को मिलेगा। नोटिस बोर्ड का मतलब क्या है कि जहां पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। कोई भी अपडेट होगी कि हमने मान लो कि कंटेंट अपडेट किया है तो उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगी, कोई नया टेस्ट अपलोड हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगी। फिर आते हैं कंपोनेंट, जनरल इंग्लिश, जनरल मेंटल एबिलिटी, स्टैट, करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, फुल लेंथ टेस्ट, यूट्यूब वीडियोस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। मतलब जो मैं आपको कह रहा था कि हमारा कोर्स कंप्रेहेंसिव है, तो मैं शायद इसी चीज को इंडिकेट कर रहा था कि कोई भी कंपोनेंट मिस नहीं किया गया है। प्लस कंपोनेंट्स के साथ साथ सॉल्व PYQs, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अलग MCQs के कोर्स, प्लस यूट्यूब वीडियोस जो हमारी है रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी या फिर रिगार्डिंग कंटेंट, वो आप लोगों को इस कोर्स में देखने को मिलेंगी। तो आपका एक कोर्स पूरा कंप्लीट कोर्स बन जाएगा। अगर मैं आपको विद इन अ पर्टिकुलर कोर्स जाके दिखाऊं, तो जैसे मान लो गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। सबसे पहले है इंट्रोडक्टरी वीडियो,
इंट्रोडक्टरी वीडियो का मतलब क्या है कि यहां पर आपको बताया गया है कि फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन आपको कोर्स किस तरीके से कवर करना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी, तो आपको कैसे कोर्स कवर करना है इस वीडियो में बताया गया है। देन आपको चैप्टर वाइज फिर पूरी हेडिंग सीखने को मिलेंगी, क्योंकि पॉलिटी में हमने पूरे पॉलिटी के कंटेंट को 10 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, तो वही 10 टॉपिक आपको अरेंज मैनर में दिखेंगे। दोस्तों दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ आवर कोर्स कि हमने स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको कोर्स दिया है। तो जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क पे क्लिक करोगे तो आपको पहले तो यहाँ पर 4 वीडियोस, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, तो जो भी वीडियोस बनाई गई है पूरे चैप्टर को कंप्रेहेंसिवली कवर करने के लिए बनाई गई है, 4 वीडियोस हैं। उसके बाद आपको एक हैंडआउट देखने को मिलेगा और फिर आपको क्विज देखने को मिलेगा। अगर आप हैंडआउट पे क्लिक करते हैं, मैं एक बार आपको हैंडआउट खोल के दिखाता हूं, ओपन किया, अगर हम हैंडआउट देखें तो इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट का पहला हैंडआउट है। दोस्तों पहले आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा और फिर अगर हम हैंडआउट की क्वालिटी देखें तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट फेक दिया है कि आप लोग खुद अब इसको फिल्टर करो, नहीं, हमने एक तरीके से क्वालिटी मैनर में आपको कोर्स प्रोवाइड किया है और वो हमारे नोट्स में आपको दिखेगा। ये जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटी को भी कवर करते हैं, ये आपके लक्ष्मीकांत को भी कवर करते हैं, डीडी बसु और सुभाष कश्यप के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी इस कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको वो बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स जो नोट्स हैं कोर्स में वो आपके अल्टीमेट सोर्स बन जाएंगे आपकी प्रिपरेशन का, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं यहाँ पर आपको हेडिंग प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इंडियन जो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क क्लास 11th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, वो यहाँ से यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा। देन बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स की, तो हेडिंग, सब हेडिंग, हाईलाइट, बोल्ड, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों उन सबको नोट्स में दिमाग में रखे हमने पेश किया आप लोगों के सामने। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आप लोग क्विज अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर क्विज है आपके पास 14 ऑप्शन और हर चैप्टर के बाद आपको एक क्विज देखने को मिलेगा। तो चैप्टर वाइज क्विज फॉर प्रैक्टिस, दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ आवर कोर्स, क्योंकि बच्चे को कोर्स में जब भी कोई चैप्टर पढ़ता है उसका एक क्विज चाहिए होता है कि सर मैं कैसे नोट करूं कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वो सही पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैंने क्वालिटी कवरेज करी है नहीं करी है, तो क्विज उसको बताया था कि तुमने कितना अच्छा कवर किया है। अब दोस्तों एक और बात कि जैसे ही आपको पढ़ते हुए कोई डाउट आता है तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक डिस्कशन फोरम है, यहाँ पर है स्टार्टेड डिस्कशन लिखा हुआ, आप यहाँ पर अपना डाउट लिखेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको फैकल्टी से बात करनी है, आपका जो डाउट है वो स्ट्रेटेजी रिलेटेड है या फिर ऐसा डाउट है जो सिर्फ कॉल पे ही सॉल्व हो सकता है, तो आप कॉल अरेंज कर सकते हैं, आप कैलेंडरी कॉल अरेंज कर सकते हैं, वीडियो कॉल अरेंज कर सकते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं। और इसी तरीके से हमने पूरा कोर्स जो है वो कवर करवाया है। और दोस्तों ऑलरेडी जो बच्चे एनरोल्ड हैं वो काफी अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को, और मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी खुद इसमें एनरोल करके इसकी क्वालिटी को जो एक बार चेक करें, वेरीफाई करें, ठीक है। और इसका जो कोर्स का जो पूरा लिंक है ज्वाइन करने का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्राइस भी आपको वहां पे पता लग जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। अब दोस्तों एक और खास बात कि अगर आप लोग एपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों आपके टेबल पे बुकलेट पक्का होनी चाहिए। ये बुकलेट क्या है, दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक टू प्रिपेयर द एपीएससी एग्जामिनेशन। आपके दिमाग में जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेरी है रिगार्डिंग द एपीएससी एग्जामिनेशन, वो इस बुक से दूर होने वाली है। यार ईपीएफओ क्या है, सैलरी क्या होगी एपीएससी ऑफिसर की, सिलेबस क्या है, और सबसे खास बात डिकोडेड सिलेबस क्या है, क्योंकि जब भी यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करती है तो वहां पर जो कंपोनेंट के नेम है सिर्फ वही मेंशन होते हैं, डिटेल्ड सिलेबस नहीं होता है। लेकिन हम इस गाइड बुक में आप लोगों को डिकोडेड टॉपिक वाइज सिलेबस प्रोवाइड करेंगे फॉर ईच कंपोनेंट। इसके साथ साथ आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे फॉर 2002, 2004, 2012 एंड 2015 ईयर। दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपके टेबल पे ये गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, और ये गाइड बुक आप लोगों के लिए टोटली फ्री है, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके अपनी कॉपी डाउनलोड करो और प्रिंट करा के अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे सबसे सामने रख लो, क्योंकि एपीएससी एग्जाम की हर क्वेरी आपकी सॉल्व होने वाली है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी hello@edutap.co.in पर, या फिर हमारे नंबर 8146207241 पर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।